हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किए हैं, जो प्रश्न एसएससी और रेलवे का प्रीवियस पेपर होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, ध्यान से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक सीरीज चला है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर क्या आएगा यही हम लोगों को बताना है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 18 जनवरी 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया। जितना भी क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस पेपर होगा। ये मत समझिएगा कि भैया हल्का हल्का क्वेश्चन काहे करा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे चलेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया गया है देखेंगे। सबसे पहले वाई से भी बना है, यहाँ पर लॉजिक क्या है ध्यान से देखेंगे। वाई से भी बना है, वाई का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 25 होता है, भी का स्थान 22 होता है। तो 25 से 22 बना है मेरे दोस्त, माइनस का 3 किया गया, समझ रहे हैं। अच्छा अब देखेंगे कि भी से क्यों कैसे बना है। भाई देखेंगे यहाँ पर भी से क्यों बना है, भी का स्थान 22, क्यों का स्थान 17 होता है, 22 से 17 बना है, माइनस का 5 किया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि क्यों से जे कैसे बना है, भाई क्यों से जे कैसे बना है, क्यों का स्थान 17 होता है, जे का स्थान 10 होता है। तो 17 से 10 बना है, यानी कि माइनस का 7 किया गया। अच्छा तो ये बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पर आप लोगों को समझ में लॉजिक बिल्कुल आ गया होगा। पहले -3 हो रहा है, उसके बाद -5, उसके बाद -7, यानी 2-2 बढ़ रहा है। तो ये बताइए जे में जो माइनस होगा वो क्या माइनस होगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद अगली नंबर 9 आएगा, क्योंकि इन दोनों में 2-2 का गैप है। तो यहाँ पर जे में से 9 घटेगा, तो जे का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 10 होता है, इसमें से 9 घटेगा, कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। अब पहले स्थान पर यानी एक स्थान पर जो लेटर होता है ए होता है, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, अच्छा है ना मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, क्वेश्चन है जिस प्रकार ऊन का रिलेशन जो है स्वेटर के साथ में है, वही रिलेशन दूध का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, और ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्त एनटीपीसी का ही है और 2021 का क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम सभी कोई जानते हैं मेरे दोस्त, ऊन से स्वेटर बनाया जाता है, ऊन से क्या बनाया जाता है, स्वेटर। उसी प्रकार मेरे दोस्त दूध से क्या बनाया जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से देखो, दूध से दही बनाया जाएगा। देख रहे हैं, कहने का मतलब जिस प्रकार ऊन से स्वेटर बनाया जाता है उसी प्रकार दूध से दही बनाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी का है मेरे दोस्त। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 4 व्यक्ति एम एन ओ और पी ताश खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, एम एन के दाईं ओर। चलिए सबसे पहले 4 व्यक्ति जब टेबल पे या फिर ब्रेंच पे कुछ भी बैठ के खेलते हैं तो उसका जो मुंह होता है 2-2 का आमने सामने होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक टेबल हो गया, ठीक है, इस टेबल पे 4 लोग बैठे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे बैठेगा। अच्छा ये सब कोई अंदर की तरफ ताक रहा होगा, तो यानी कि इसका जो चेहरा होगा यानी इसका जो फेस होगा वो केंद्र की तरफ होगा, होगा ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए और अगला स्टेप हमारा पहला स्टेप हो गया, यानी जितना भी व्यक्ति बैठेगा सारा का सारा व्यक्ति ब्रेंच के यहाँ पर भीतर में ताक रहा होगा, इसका केंद्र जो इसका जो चेहरा होगा केंद्र की तरफ होगा, क्योंकि यह सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन कह रहे हैं एम एन के दाई ओर है, बहुत बढ़िया बात है, एम जो है एन के दाई ओर है। मेरे दोस्त सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में पहले व्यक्ति को हम अपने मन से जहां मन करे वहां बैठा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है एम एन के दाईं ओर है, या एन एम जो है एन के दाईं ओर है, तो सबसे पहले एन को अपने मन से कहीं भी बैठा लो। मान लो हम एन को यहां पर बैठा लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है, एम जो है एन के दाईं ओर है। अब देखो हमने एन को यहां पर बैठा लिया तो इसका जो दायां होगा इस साइड में होगा और इसका जो बायां होगा इस साइड में होगा, क्योंकि इसका चेहरा अंदर की तरफ है, है ना, बिल्कुल सही बात है।
तो देखेंगे मेरे दोस्त जो M है N के दाई ओर है, तो N के दाया इधर होगा, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा भाई, M बैठ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन कहते हैं M N के दाई ओर है हो गया, तथा P O के बाई ओर है। बहुत बढ़िया, P जो है O के बाई ओर है, P O के बाई ओर है। अच्छा मेरे दोस्त, O को बैठाने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, पहला O यहाँ भी बैठ सकता है और दूसरा यहाँ भी बैठ सकता है। तो यहाँ पर तुम O को उस जगह बैठाओ जिसके बाई ओर O आ जाए। अच्छा अगर हम O को यहाँ पर बैठाते हैं तो इसका चेहरा केंद्र की तरफ है, तो इसका बायां हो जाएगा इस साइड में, इसका दायां हो जाएगा इस साइड में, और ओ पी जो है ओ के बाई ओर है, तो ओ का बायां में एम बैठ चुका है, तो ओ के बाई ओर पी नहीं आ सकता, इसलिए हम ओ को यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं। तो हमारी मजबूरी होगी ओ को कहाँ बैठाना, यहाँ पर बैठाना। और जब ओ यहाँ पर बैठ जाएगा तो इसके बाई तरफ कौन बैठ जाएगा, पी बैठ जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हैं, यहाँ पर बैठ जाएगा पी। बहुत बढ़िया बात है। और क्वेश्चन आगे क्या क्या है ध्यान से अब देखो, जो क्वेश्चन का है निम्नलिखित में पार्टनर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, कौन है एक दूसरे के सामने जो पार्टनर, जैसे यहाँ पर O का पार्टनर हो जाएगा M और N का पार्टनर हो जाएगा P, आमने सामने। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टनर कौन है जो आमने सामने बैठा है। ऑप्शन ए है पी और ओ, पी और ए आमने सामने बैठा है, बिल्कुल गलत जवाब, नहीं बैठा है। अच्छा एन और पी, हाँ बिल्कुल सही बात है, एन और पी मेरे दोस्त एक दूसरे के सामने में बैठा है, एन और पी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था मेरे दोस्त, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आसान है। देखो यहाँ पर RLC में क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में, देखो पूछा है कि ना, हम अपने मन से मेरे दोस्त कोई क्वेश्चन नहीं लाते हैं, प्रीवियस पेपर का है ना, बिल्कुल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम यानी कि लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। देखो हमारे पास पांच वर्ड दिया गया, यानी पांच शब्द है, इस सारे शब्द को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। और ये देख रहे हैं RRB चंडीगढ़ ASM परीक्षा 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, महाविद्यालय है, वेतन है, रोजगार है, और शिशु है, और विद्यालय है, इन सब को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो आएगा वो शिशु आ जाएगा, दो नंबर, सबसे पहले शिशु आएगा दो नंबर। ठीक है, उसके बाद वो जो शिशु होगा वो कहाँ पर जाएगा, विद्यालय में जाएगा, तो चार नंबर आएगा। सबसे पहले शिशु, उसके बाद विद्यालय आ जाएगा, चार नंबर आ जाएगा। उसके बाद वह महाविद्यालय में जाएगा यानी कॉलेज में जाएगा, तो हमारा एक नंबर वाला आ जाएगा। उसके बाद एक नंबर आ जाएगा, उसके बाद वो रोजगार पाएगा, रोजगार पाएगा तो पांचवा आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद तब जाके उसको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, तब जाके उसको वेतन मिलेगा। तो दो चार एक पाँच तीन, कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्त, इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, रेलवे NTPC CBT 2 में पूछा हुआ है 17 जनवरी 2017 को मेरे दोस्त सेकेंड शिफ्ट में, ध्यान से देख रहे हैं ना। चलिए तो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी कुट भाषा में जैसे लेमन को लिखा है PWOMN लिखा जाता है, तो SHIRT को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या है, L है, उसके बाद में क्या है, E है, LE, उसके बाद में MON है, इनको कोड के रूप में क्या लिखा है, P लिखा है, उसके बाद मेरे दोस्त W लिखा है, उसके बाद में O लिखा है, उसके बाद में M लिखा है, और उसके बाद में N लिखा है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं मेरे दोस्त, आप बताइए पहले, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, SHI
आर और टी इनका कोड क्या होगा, हम लोगों को बस यही बताना है। तो सबसे पहले दोस्त ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लॉजिक है, एक बात बताता हूँ मेरे दोस्त, आपको तो अपोजिट लेटर याद होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखो एल से पी बनाया है, क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, एल का जो अपोजिट लेटर होता है ओ होता है, ओ, लेकिन यहाँ पर तो पी बनाया है, तो मेरे दोस्त क्या हुआ है, सारा लेटर का अपोजिट लेटर में प्लस वन कर दिया है। देखो अपोजिट लेटर और प्लस वन यहाँ पर लॉजिक है, सारा में बस लॉजिक यही है, अपोजिट लेटर प्लस वन, एल का अपोजिट ओ होता है लेकिन यहाँ पर क्या किया है, प्लस वन कर दिया, एल का अपोजिट ओ, अब प्लस वन कर देंगे पी हो जाएगा। ई का अपोजिट मेरे दोस्त क्या होता है, ई का अपोजिट होता है भी, लेकिन इसमें प्लस वन कर दिया है तो डब्लू हो जाएगा, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ भी प्लस वन हो गया। अच्छा एम का अपोजिट क्या होता है भाई, एम का जो अपोजिट होता है एन होता है, एम का जो अपोजिट लेटर होता है एन होता है, लेकिन इसमें प्लस वन कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर प्लस वन हमने कर दिया क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ हम लोगों ने गलती बता दिया, यहाँ एम का जो अपोजिट लेटर होता है एम का वो क्या होता है, हाँ ठीक है, M का अपोजिट लेटर N होता है और प्लस वन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, O बन जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, देख रहे हैं, देख रहे हैं भाई, यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिया है, सही बात है, यानी कहने का मतलब अपोजिट लेटर प्लस वन कर दिया है, अपोजिट लेटर प्लस वन, यहाँ पर भी प्लस वन, यहाँ पर देखो सेम वही है, O का जो अपोजिट लेटर होता है क्या होता है, वो पंद्रह स्थान पर होता है, ठीक है, इसका जो अपोजिट लेटर होता है मेरे दोस्त एल होता है, ठीक है, अब प्लस वन इसमें कर देंगे, एल का स्थान बारह में एक जुटेगा तेरह हो जाएगा, तेरहवें स्थान पर लेटर एम होता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ देखेंगे यहाँ भी प्लस वन है। अच्छा ये बताइए एन का अपोजिट लेटर क्या होता है, एन का अपोजिट लेटर क्या होता है, एन का अपोजिट लेटर होता है मेरे दोस्त एम, और इसमें प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये बात तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, प्लस वन, तो यहाँ पर क्या लॉजिक था मेरे दोस्त, अपोजिट लेटर प्लस वन, यहाँ पर देखेंगे कि एल का अपोजिट लेटर होता है क्या, एल का अपोजिट लेटर ओ होता है, अब प्लस वन कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा जो कि दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, एक्चुअल में है क्या कि जो भी लेटर है उसका अपोजिट लेटर निकालो और उसमें प्लस वन कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे एस है, एच है, आई है, उसके बाद में आर है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, टी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखेंगे, S, S का जो अपोजिट लेटर होता है क्या होता है मेरे दोस्त, S का अपोजिट लेटर क्या होता है, H होता है, लेकिन प्लस वन इसमें करेंगे तो H का अपोजिट, S का अपोजिट लेटर H, आप प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, H के बाद में क्या आता है, I आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा I, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर S, H का अपोजिट लेटर क्या होता है, H का अपोजिट लेटर होता है S, और प्लस वन इसमें करेंगे तो S में प्लस वन करेंगे तो क्या बनेगा, T बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा I का अपोजिट लेटर क्या होता है मेरे दोस्त, R होता है, I का अपोजिट लेटर R होता है, प्लस वन कर देंगे तो क्या बनेगा, R में प्लस वन कर देंगे क्या बनेगा, तो S बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा S। अच्छा यहाँ पर R का अपोजिट लेटर क्या होता है, R का अपोजिट लेटर होता है I होता है, लेकिन इसमें प्लस वन कर देंगे तो I में प्लस वन कर देंगे तो क्या बनेगा दोस्त, J बन जाएगा। यहाँ पर T का अपोजिट लेटर क्या होता है, T का अपोजिट लेटर होता है G, लेकिन प्लस वन इसमें भी करना होगा तो G में प्लस वन करेंगे तो क्या बनेगा, H बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा I T S J एच किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे दोस्त, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, और मेरे दोस्त ये भी रेलवे का सारा क्वेश्चन ही प्रीवियस पेपर है, हम अपने मन से कोई नहीं लिए भाई। यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ पर एक सर्किल के अंदर में यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है और इनके बाहर चारों तरफ भी नंबर है, तो इनमें क्या लॉजिक है, जैसे हम लोगों का ये तीसरा नंबर जो पार्ट है इसमें पूछा गया है बीच में,
जो नंबर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले ये हम आकृति नंबर फर्स्ट को लेंगे, इसमें क्या लॉजिक है, सेम लॉजिक को इसमें अप्लाई करेंगे चलेंगे। तो फर्स्ट आकृति में हम लोग देख रहे हैं इस सर्किल के बाहर बाहर में क्या है, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे। क्या है, 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 4 है। इन सारे को जब हम ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 2, 3, 5, 5 और 5, 10 और 10, 4 कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। और यही 14 को इस सर्किल के बीच में लिखा गया है, ठीक है, यही सर्किल को बीच में लिखा गया है, कुछ तो है नहीं स्पेशल। आकृति नंबर 2 में अब हम देखते हैं, आकृति 2 में क्या है, यहाँ पर सारे को जोड़ कर देखते हैं, 4 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 8 है, 6 के बाद में 8 है, उसके बाद में 7 है, इन सबको ऐड करेंगे तो 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 7 कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। और 25 सर्कल का बीच में दिया हुआ है, सेम लॉजिक मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर लग जाएगा तीसरी आकृति इसमें क्या है, जो भी आरी आरी नंबर दिया गया इन सबको तुम ऐड कर दो। तो यहाँ पर ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 11, इन सबको ऐड कर दो, 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19। 19 में हम 12 को ऐड करेंगे कितना होगा, 19 में 12 को ऐड करेंगे कितना होगा भाई, 31 होगा। और 31 में 11 को हम ऐड करेंगे कितना बनेगा, 42 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 42, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। समझ रहे कि नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। हाथी है, भेड़िया है और प्राणी है, इसका सही बेनारे कौन सा बनेगा यही बताना है। और आप लोग देख लीजिए लाइन से पूछा हुआ है क्वेश्चन है, कितना बार इस क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिए पहले दोस्त, यहाँ पर इतनी बार इसको पूछा गया है, 2006 2007 2006 2007 2006, और अच्छा अच्छा पोस्ट पे पूछा गया है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या लॉजिक है भाई, कुछ नहीं, यहाँ पर हाथी और भेड़िया के बीच में कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग क्या है, जीव है। अच्छा ये बताइए भेड़िया और प्राणी में कोई संबंध है, भेड़िया और प्राणी में कोई संबंध है, देखो तो यहाँ पर भेड़िया और प्राणी में संबंध है, हाँ बिल्कुल संबंध है, क्योंकि सारे भेड़िया प्राणी होता है, बिल्कुल सही बात। हाथी और भेड़िया में कोई रिलेशन है, हाँ बिल्कुल है, जितना भी हाथी है एक प्रकार के क्या है, प्राणी है। तो इसका आरे कैसा बनेगा भाई, ध्यान से देखेंगे, एक बन जाएगा हाथी का, ठीक है, ये हो गया हाथी का, जैसे ह लिख देते हैं तो ह मतलब हाथी का हो जाएगा, एक हो जाएगा भेड़िया का, इसको हम भ लिख देते हैं, भेड़िया भ से भेड़िया हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग प्राणी है, और एक प्राणी के भीतर में बन जाएगा आई आर, एक जो बनेगा ये क्या है, ये प्राणी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना भाई, ऐसे इसको दिखाया जाएगा, हाथी अलग और भेड़िया दोनों अलग अलग क्या है, प्राणी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्त 8 नंबर कथन और निष्कर्ष से लिया गया है, और यह भी रेलवे में पूछा गया है 2021 में मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं सभी लड़के क्या है, सेफ है, तो इसका वेन डायग्राम बना देते हैं, सभी लड़के जो है, एक सबसे पहले लड़का का वेन डायग्राम बनाओ, ये जितना भी लड़का है सारा लड़का क्या है, सेफ है, ठीक है, सारा लड़का क्या है, सेफ है, बहुत बढ़िया, से मतलब सेफ हो जाएगा। अच्छा सभी सेफ ग्रामीण है, ये सारा सेफ जो सर्किल है, सर्किल जो सेफ वाला सर्किल है, ये ग्रामीण के भीतर में आ जाएगा, तो यहाँ पर एक ग्रामीण का बन जाएगा, बहुत बढ़िया, ये ग्रामीण का हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्त इसमें से तुम निष्कर्ष निकालो, निष्कर्ष क्या कहता है, फर्स्ट सभी लड़के ग्रामीण है, मेरे दोस्त यहाँ पर देखेंगे सभी लड़के ग्रामीण है, यहाँ पर लड़के का जो सर्किल है वो इतना सा है,
क्या यह सारा का सारा सर्किल ग्रामीण वाला सर्कल के भीतर में आ पा रहा है? हाँ बिल्कुल आ पा रहा है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, सभी लड़के जो है वो सेफ थे, तो सभी लड़के ग्रामीण के भीतर आ रहे थे, तो इसका मतलब सभी लड़के ग्रामीण होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, पक्का सही है। चलिए दूसरा, सभी शेख लड़के हैं, ये बात बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। जितना भी लड़का है सारा लड़का सेफ है, लेकिन ये सारा सेफ जो है ये लड़के हैं नहीं, क्योंकि इस सेफ का इतना हिस्सा ही लड़का है। यानी इसके स्थान पे क्या होता, सभी लड़के सभी कुछ सेफ लड़के हैं तब जाकर सही होता, लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, सभी सेफ लड़के हैं, ये जितना भी सेफ है इस सारा सेफ लड़के के भीतर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी फर्स्ट पालन करता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए बी के पुत्र का भाई है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और रेलवे एनटीपीसी CBT 2 CBT 2 परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्त, देख रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास बहुत आसान आसान भी यहाँ पर लॉजिक है, उसमें सबसे बेस्ट है फैमिली ट्री बनाकर इसका आंसर देना। और फैमिली ट्री कैसे हम लोग बनाते हैं तो ध्यान से देखेंगे। फैमिली ट्री में मेरे दोस्त करते क्या है, जहाँ भी पुरुष को हम देखेंगे, पुरुष को हम बंद कर देंगे त्रिभुज में, आप महिला को बंद कर देंगे मेरे दोस्त जानते हैं किस में, महिला को बंद कर देते हैं सर्किल में। इससे क्या होता है कि लिंग का निर्धारित जल्दी हो जाता है। चलेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है, ए बी के पुत्र, सबसे पहले बी बना लो, ठीक है, बी के पुत्र, बी के पुत्र का मतलब खाली ट्रायंगल हम बना सकते हैं, क्योंकि बी का पुत्र ही तो बनाना है, तो बी का हो जाएगा ए पुत्र, ठीक है, चलेंगे। बी का पुत्र बनाने, बी का हो गया पुत्र, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बी के पुत्र ये हो गया, क्या हो गया पुत्र, बी के पुत्र, ठीक है, बी के पुत्र का पुत्र है, इनका भी पुत्र है, तो इनका भी पुत्र बना लेंगे हम, इनका भी पुत्र हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हो गया बी के पुत्र का पुत्र है, का भाई है, क्वेश्चन क्या है, बी के पुत्र का भाई है, यहाँ पर बी का पुत्र उनका भी पुत्र का क्या है, भाई है, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन ने कहा है बी के पुत्र का भाई है, ई जो है ई क्या है, भाई है, समझ रहे, तो ई बताइए कौन, जो भाई है वो कौन है, भाई भाई जो है वो कौन है, तो वो ए है ना, यही ना क्वेश्चन है, ए बी के पुत्र का भाई है, तो ई बताइए ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है दोस्त, बी के ई क्या हो गया बेटा, और इसका जो बेटा है ई बी का कौन लगेगा, ई जो त्रिभुज है ई बी का क्या लगेगा, ई वाला बी का पोता लगेगा, पोता लगेगा, बिल्कुल सही बात है, ई वाला बी का पोता लगेगा, और इसका भाई है ए, तो बताइए पोता का भाई को क्या कहा जाता है, पोता ही कहा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, आरआरबी ग्रुप डी 1 अक्टूबर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, कह रहा है यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाए तो पश्चिम क्या बन जाएगा, देखो कितना आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा हुआ है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, देखो जब भी मेरे दोस्त पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, आप लोग सब कोई जानता होगा, पेपर पे मेरे दोस्त डायरेक्शन हम इस प्रकार से बनाते हैं, हमेशा ऊपर में उत्तर होता है, ठीक है, अच्छा हमेशा दाहिने बगल में पूरब होता है, ये बात को समझिएगा, समझ रहे, जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो ऊपर में हमेशा उत्तर होता है और दाहिने बगल में हमेशा पूर्व होता है। अच्छा ये बताइए ऊपर में उत्तर हो गया तो इसका अपोजिट नीचे में दक्षिण होना मजबूरी है, अपोजिट में दक्षिण हो जाएगा, अच्छा पूरब का अपोजिट पश्चिम होता है तो बाएं साइड में हो जाएगा पश्चिम, बहुत बढ़िया, अच्छा ये हमारा हो गया चार मुख्य डायरेक्शन हो गया, अच्छा चार उपदिशा भी होती है, कौन कौन सी इसको भी बना देते हैं क्योंकि इसका यूज इस क्वेश्चन में पड़ेगा,
चलिए इसका नाम क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर उत्तर उत्तर और पूर्व के बीच में है, इसीलिए इस दिशा को बोला जाता है उत्तर पूर्व। बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो इसको बोला जाता है दक्षिण और पूर्व। बहुत बढ़िया। यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम के बीच में है इसीलिए दक्षिण पश्चिम कहा जाता है इनको। यहाँ पर उत्तर और पश्चिम के बीच में है इसीलिए इसको उत्तर और पश्चिम कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात याद रखना मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो भी डायरेक्शन बनेगा, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच वाले यहाँ पर जो दिशा है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा ये जो दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व, इनके बीच में 45 डिग्री का बनता है, इनके बीच में भी 45 डिग्री का बनता है। ये बात बिल्कुल आप लोग समझते होंगे, ठीक है ना। तो जब आप लोग इनको समझते हैं तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है, क्वेश्चन कह रहा है पूर्व जो है उत्तर पूर्व हो जाता है। यहाँ पर पूर्व किधर है, पूर्व जो है इधर है, हमारा जो पूर्व है वो यहाँ पर है, समझ रहे हैं। पूर्व कहाँ पर है मेरे दोस्त, यहाँ पर है पूर्व। इसको क्या बना दिया, उत्तर पूर्व हो जाता है। पूर्व उत्तर पूर्व किधर है, ऊपर। तो इस पूर्व को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो उत्तर पूर्व बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त, जो पूर्व है उसको 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन का मतलब समझते हैं, घड़ी जिस प्रकार चलता है उसके विपरीत दिशा में घुमाना पड़ेगा। जैसे आमतौर पर आप लोग दीवार घड़ी को देखे होंगे, हमेशा बाएं से दाहिने की तरफ चलता है, लेकिन एंटी क्लॉक वाइज का मतलब होता है यानी घड़ी के उल्टे दिशा में, यानी दाहिने से बाएं लेकर गया है। तो यानी पूर्व को 45 डिग्री हम घड़ी के चलने के उल्टे दिशा में घुमा देंगे तो उत्तर पूर्व बन जाएगा। क्वेश्चन का लॉजिक यही है। तो पश्चिम क्या बनेगा भाई, तो इसका मतलब ध्यान से देखेंगे, जब एक दिशा को हम घुमाते हैं तो हमारा सारा दिशा ही घूम जाता है। तो पश्चिम जो है, पश्चिम कहाँ पर है, यहाँ पर है, है ना। ये पश्चिम भी 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज में घूम जाएगा। तो इसको एंटी क्लॉक वाइज में घुमा देंगे तो नीचे आ जाएगा। तो निचला जो दिशा है वो कौन सा है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सर दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ, हम अपने मन से थोड़ी भी ला रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। यदि शब्द, जैसे यहाँ पर शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये भी 2007 और 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहे हैं इलाहाबाद में ड्राइवर में पूछा है इसको, और सीसी में पूछा है अहमदाबाद में। चलिए इस क्वेश्चन में मतलब क्या है कि यहाँ पर जो शब्द दिया गया, इन शब्द का यूज करके चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यही हमको जाँच करना है। तो इसमें करते क्या है, हम बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर है, क्या ऊपर में आर है, बिल्कुल है। उसके बाद ई है, ऊपर में भी ई है, भी है, ऊपर में भी भी है, ई है, हाँ एक और ई है, एल है, बिल्कुल एल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में जितना भी लेटर है, सारा लेटर जो वर्ड दिया गया है इसमें उपस्थित है, इसका मतलब हम इसको बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, अब हम बी को, एल है, बिल्कुल एल है, आई है, बिल्कुल है, बी है, बिल्कुल बी भी है, ई है, बिल्कुल ई भी है, उसके बाद आर है, हाँ बिल्कुल आर भी है, उसके बाद ए है, ओ माय गॉड। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में ए लेटर का यूज कर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में ए लेटर का यूज कर दिया गया, जबकि मूल शब्द में कहीं भी ए लेटर नहीं है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यहाँ पर जो मूल शब्द है उसमें ए लेटर मौजूद नहीं है, तो ये ऑप्शन में ये कहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब हम क्वेश्चन हम लोगों को यहीं पर चकमा पढ़ा दिया, यहाँ पर ए लेटर बता दिया, यहाँ पर कहीं भी ए लेटर देबे नहीं किया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी ही नहीं बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस वर्ड से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर में ए लेटर का यूज नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में कहां से ला सकते हैं भाई, बिना बादल का बारिश कैसे हो सकता है, वो नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं
मान लीजिए किसी भी वर्ष की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में, किसी भी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त। ये भी 18 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं। क्वेश्चन ने बताया है कि 25 अगस्त, 25 अगस्त को क्या है भाई, 25 अगस्त का क्या है? एगो बात बताते हैं दोस्त, किसी भी वर्ष की बात करें ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 गो जो महीना होता है हमेशा 30 दिन का होता है, लेकिन बाकी सब फरवरी छोड़ दिया जाए तो 31 दिन का महीना होता है। तो अगस्त महीना की बात कर रहा है तो अगस्त महीना जो होगा वो 31 दिन का होगा। चलिए, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, लेकिन बता देते हैं। चलो, तो क्वेश्चन क्या बताया है, 25 अगस्त को कौन सा दिन है भाई? 25 अगस्त को दिन है गुरुवार। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, ये अगस्त महीना में सोमवार किस तारीख को आएगा, ये तुम निकाल लो। मेरे दोस्त, 25 के बाद अगला जो नंबर आएगा वो 26 तारीख का है। इस दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। यहाँ पर लिख भी लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। तो 25 को अगर गुरुवार है तो 26 को कौन सा दिन पड़ेगा भाई? शुक्रवार पड़ेगा। अच्छा, 27 को कौन सा दिन पड़ेगा भाई? शनिवार पड़ेगा। अच्छा, 28 को कौन सा दिन पड़ेगा? 28 को रविवार पड़ेगा, समझ रहे हैं? अच्छा, 29 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? हाँ, 29 तारीख को सोमवार पड़ेगा। बहुत बढ़िया, यही तो हमको चाहिए था कि किस दिन सोम दिन पड़ रहा है उसको निकाल लो। तो यहाँ पर हमने निकाला कि 29 तारीख को सोमवार है। बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है 29 जो तारीख है, इस दिन कौन सा दिन है भाई? सोमवार है, है ना? बहुत बढ़िया, 29 तारीख को कौन सा दिन है? सोमवार है। अच्छा, कैलेंडर का एक रूल होता है मेरे दोस्त, नोट करके लिख लो कहीं भी, किसी भी तारीख में या किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ दो सेम दिन प्राप्त हो जाता है, या फिर 7 दिन घटा दो सेम दिन प्राप्त होता है। क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, यानी किसी भी तारीख में 7 दिन जोड़ो या फिर 7 दिन घटाओ वही दिन प्राप्त होता है। बस इसी लॉजिक को इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 29 में से 7 घटावेंगे, कितना बचेगा भाई? 22 तारीख बचेगा। इस दिन भी सोमवार होगा भाई, गारंटी है, आप लोग कैलेंडर निकाल के देख लेना। अच्छा, इस 22 में से भी 7 घटाएंगे, 22 में से भी 7 घटाएंगे तो 15 तारीख पड़ेगा। इस दिन भी सोमवार होगा, गारंटी है, इस दिन भी सोमवार होगा। चलिए, अब देखो, इस 15 में से 7 घटेगा तो इस 15 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 तारीख बचेगा, तो इस 8 तारीख को भी सोमवार होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 8 तारीख में से भी 7 फिर से घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 दिन भी सोमवार होगा, 1 तारीख भी सोमवार होगा। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में जो 25 अगस्त दिया है, इनका केवल यूज है कि 25 अगस्त को गुरुवार है तो आप सोमवार निकाल लो, कहिया सोमवार पड़ रहा है, और जो सोमवार निकल जाएगा तो यहाँ पर जो सोमवार हमने निकाला कि 29 तारीख पड़ रहा है, तो 29 तारीख में 7 दिन तुम घटाते जाओ, सोमवार की संख्या प्राप्त होते जाएगा। क्योंकि किसी भी तारीख में 7 दिन जोड़ने पर या फिर 7 दिन घटाने पर वही दिन पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, आप कहिएगा कि भैया अगस्त में आप 29 से पीछे गए, तनि आगे जाकर देखिए, तो मेरे दोस्त 29 में प्लस 7 करेंगे 34 तारीख हो जाएगा, लेकिन अगस्त जो महीना होता है वो 31 तारीख तक ही होता है, तो इसीलिए हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये बताइए, सोमवार की संख्या कितना आ गया? 1 आ गया 29 तारीख, 1 आ गया 22 तारीख, 1 आ गया 15 तारीख, 1 आ गया 8 तारीख, और 1 आ गया 1 तारीख, कितना हो गया मेरे दोस्त? तो सोमवार की जो संख्या है 5 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा, और इसमें एक कंसेप्ट यूज हुआ है उसको आप कहीं भी लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये भी एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है डिवाइड, गुना का अर्थ है प्लस और भागा का अर्थ है माइनस, तो ये जो समीकरण का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है, क्या है क्वेश्चन, प्लस है, इनके स्थान पर क्या लेना है भाई, गुना लेना है, बहुत बढ़िया। माइनस है, इनके स्थान पर क्या लेना है, माइनस के स्थान पर क्या लेना है भाई, भागा लेना है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, गुना के स्थान पर क्या लेना है, गुना के स्थान पर प्लस लेना है, बहुत बढ़िया। और भागा जहाँ भी है उसके स्थान पर क्या लेना है, माइनस लेना है, बस इसी को तुम इस समीकरण में यूज कर दो, आंसर पा लोगे। चलो करते हैं, यहाँ पर क्या है, 208 दिया है, 208 है, इसके बाद माइनस है ना, 208 के बाद माइनस है, तो माइनस के स्थान पर क्या लेना है, भागा लेना है, बता दिया है। चलिए उसके बाद 4 है, बहुत बढ़िया, 4 के बाद में क्या है, प्लस है, तो प्लस के जगह पे गुना लेना है, क्वेश्चन ने बता दिया है क्या है, उसके बाद में 3 आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड है यानी भागा है, तो भागा के जगह पे माइनस लेना है, क्या है, 23 है, उसके बाद में है गुना, तो गुना के जगह पे हम लोगों को लेना है प्लस, कितना हो जाएगा, 57। बस इसी को तुम सॉल्व कर लो बोडमास के तरीका से, आंसर तुम्हारा आसानी से आ जाएगा। बोडमास का रूल क्या कहता है, देखो बोडमास, बोडमास से इसको सॉल्व करो, बोडमास का रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद ऑफ करो, अगर ये दोनों नहीं है तो सबसे पहले डिवाइड, तब मल्टीप्लीकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, इसी रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। चलो तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 208 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 4 5 20, 4 2 8 52 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। गुना कितना है, 3, माइनस है 23 है ना, प्लस है 57, समझ रहे भाई, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर तुम देखो करोगे क्या, यहाँ पर 52 × 3 करोगे, 52 × 3 करोगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा मेरे दोस्त, 2 × 3 = 6 + 5 = 15, 156 बन जाएगा भाई, 156, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हो जाएगा 156 माइनस 23, उसके बाद प्लस हो जाएगा 57, तो बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे, तो 156 में हम जब हम 57 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 7 6 13 × 3 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11 × 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 213 हो जाएगा, समझ रहे हैं, 213 हो जाएगा। चलिए 213 इसमें से तुम अब घटा दो 23, 213 में से तुम 223 को घटाओगे कितना बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पर बचा 1, 190 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को कभी भी आप आसानी से कर सकते हैं, बस बोडमास के रूल आपको आना चाहिए, केवल कैलकुलेशन है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, हम समझाने के लिए इतना समय में आपको बताएं, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, बस इसको ध्यान से देखेंगे, कह रहे कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। मेरे दोस्त यहाँ पर देखेंगे ये जो सर्किल वाला पार्ट है इसमें कैसा लगेगा, सबसे पहले देखो ये लाइन सीधा गया है तो ये लाइन भी बिल्कुल सीधा आ जाएगा, ऐसे समझ रहे हैं, बिल्कुल सीधा आ जाएगा, बहुत बढ़िया, यानी ई कोना से आएगा ई कोना तक, समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सर्किल का रोटेशन कैसे चेक करेंगे, देखो ये जो लाइन है ये लाइन के इस सर्किल ऊपर है, यहाँ पर क्या है, जहाँ यहाँ पर ऊपर है मेरे दोस्त, यहाँ पर सर्किल को नीचे कर दिया गया है, यानी सर्किल अपोजिट में है, ये लाइन के एक दूसरे का अपोजिट में है ना, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इस सर्किल के ऊपर में है, ये लाइन के ऊपर में सर्किल है तो ये लाइन के नीचे में आ जाएगा सर्किल, क्योंकि एगो ई साइड में है ये लाइन के, समझ नहीं पा रहे हैं, फिर से समझिए, फिर से समझाते हैं, देखो ये लाइन जो खींचा गया है ई वाला, एगो सर्किल अगर ई साइड में है तो ई वाला सर्किल ई साइड में आ जा रहा है,
आ जा रहा है, उसी प्रकार जब ये लाइन खींच दिया जाएगा, ई लाइन जब हो जाएगा तो यहाँ पर सर्किल है तो मजबूरी है कि एगो सर्किल यहाँ पर बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात, इसीलिए यहाँ पर बन जाएगा। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऐसा ऑप्शन नंबर हूबहू ऑप्शन सी में दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट और फास्ट, चलिए 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कर रहे हैं भिन्न की पहचान करें। बहुत बढ़िया, आरआरबी अहमदाबाद एएसएम परीक्षा 2004 में पूछा गया है भिन्न की पहचान करें। चार ऑप्शन में इन चारों में से सबसे अलग कौन सा हो जाएगा। चलिए हम मेरे दोस्त आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एक जैसा है। कैसे, मान लेते हैं ये क्या है, एक ऐसा है एरो, यहाँ पर तो ये तो सब में दिया है कॉमन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एरो की संख्या है लाइन की एक, देखो पीछे जो इस एरो वाला ये जो तीर है, तीर के पिछला पर्सन में लाइन की संख्या तीन है। देखो कैसे, एक दो और एक तीन है ना, यानी ये कितना है, तीन बार यूज किया गया, जबकि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में कितनी बार यूज किया गया है देखो ध्यान से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पहला ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन की संख्या कितना है, चार बार है, जबकि यहाँ पर भी तीन बार है, यहाँ पर भी तीन बार है, यहाँ पर भी तीन बार है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये तीर का जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें इस लाइन को चार बार बना दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए बाकी से अलग हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल ग्रो हो जाए तो अच्छे से लोगों के पास शेयर करें, और क्वेश्चन अच्छा लगता है तो मेरे दोस्त जरूर कमेंट करके बताना कि भैया कैसे कैसे क्वेश्चन को हम इसमें शामिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।